हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महिला तूफ़ान। महिला तूफ़ान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। आज का मेरा टॉपिक है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है, यंग जो बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। उन्हें पेरेंट्स अपने जीवन में उन्हें पेरेंट्स का किसी भी तरह रोक टोक पसंद नहीं है और वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं यंग जो अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं। क्यों? बहुतों के दिमाग में रहता है कि अगर हम अरेंज मैरिज करेंगे तो गारंटी हमें मिल जाएगी और आगे फ्यूचर में कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स लेंगे। और लव मैरिज में होता है कि अगर हम लव किए और मैरिज हुआ तो उसे हमारे मनपसंद जीवन साथी तो हमें मिल जाता है। लेकिन बाद में अगर कुछ होता है, लड़ाई झगड़े या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार हमें खुद उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं कि हमने खुद की है शादी, तो हमें खुद उसे निभानी पड़ेगी। तो ये चीज़ समाज में बहुत देखने को मिल रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या किया जाए, लव मैरिज किया जाए, अरेंज मैरिज किया जाए, क्या किया जाए। तो दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण से तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज करें दोनों ठीक हैं। बस कोई भी मैरिज करें उसमें लड़का या लड़की दोनों की रजामंदी और पसंद होनी चाहिए। कोई भी मैरिज हो, दोनों की पसंद होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे से शादी के पहले ज़रूर एक बार मिलनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को देख के समझ लें और पसंद कर लें, ताकि शादी के बाद वो पेरेंट्स पे भी ब्लेम ना कर सके और उनकी अपनी खुद की भी मर्जी हो। और अगर वो लव मैरिज करते हैं, उन्हें किसी से लव है, तभी भी वो अपने पेरेंट्स से मिलवाएं और उसे अरेंज मैरिज में तब्दील करें और उसके बाद शादी करें। इससे क्या होगा कि बाद में पेरेंट्स भी बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकेंगे कि आपने पसंद किया है, अपनी मर्जी से शादी की है और आप भुगतो। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही स्थिति में मैरिज सक्सेसफुल रहेगा। अब है कि लव मैरिज करना क्या सही है, तो लव मैरिज करना सही नहीं है लेकिन बिल्कुल गलत भी नहीं है। क्योंकि अगर दो जोड़ी मैच्योर हैं, लड़की 26 की है, लड़का 30 का है, 29 का है, और दोनों मैच्योर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब में हैं या कुछ बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, उसके बाद अगर उन्हें कोई पसंद आता है, दिल से वो पसंद करते हैं, एक दूसरे का विचार दिल मिलता है, क्योंकि प्यार किससे होता है, हम दोस्ती किससे करते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, जिनका व्यवहार हमारे जैसा सेम टू सेम होता है, वैसे लोगों को ही पसंद करते हैं। तो उस तरह से लव मैरिज, लव में पता चल जाता है कि अगला जो है जिसे हम पसंद करते हैं वो कैसा है, और एक दूसरे में बहुत दिल से रिश्ता जुड़ा रहता है और समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। तो इस तरह से अगर जिस पर्सन को पसंद किया जाए उसी से प्यार हो जाए तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छे से कटता है, ज़िंदगी सुहाना हो जाता है, जीवन खुशनुमा हो जाता है। और जिससे पहला प्यार हो उसी से अगर शादी हो जाए तो ज़िंदगी में इससे बड़ा खुशी क्या है। ज़िंदगी जीने में एक तरह से कहें तो मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है, इससे फीलिंग किया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने लव मैरिज किया है वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, अगर छोटी मोटी लड़ाई भी होती उसमें भी मज़ा आता है। तो इस तरह से लव मैरिज बहुत अच्छा है अगर दोनों मैच्योर हैं और उस पर अगर घर की भी परमिशन मोहर लग जाती है तो। लेकिन मैं अब उस लव मैरिज की बात करूँगी जिसमें कि बच्चे टीनेजर हैं, 13 या 16 साल के बीच में हैं लड़के लड़की, और वो सिर्फ आकर्षण लगाओ कि से एक दूसरे के आकर्षण में आ जाते हैं और फिर सडनली, मतलब कि बिना सोचे समझे भागकर शादी कर लेते हैं या भाग जाते हैं
और फिर एक दोनों एक दूसरे की मतलब दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके अंदर ये बुराई है, तो फिर वो एक दोनों जल्दी से फिर डिसीजन तुरंत ले लेते हैं कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, ब्रेकअप हो जाता है। और फिर वो अगर शादी करते तो उस चीज़ को भी मतलब बंधन को तोड़ कर वापस घर आने का फैसला लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि पेरेंट्स की जो समाज में इज्जत प्रतिष्ठा होती है उसकी भी बहुत मतलब धज्जी उड़ती है, बदनामी होती है। और फिर वो लड़का लड़की का जो डिसीजन होता है वो टेम्प्रोरी साबित होता है। इस तरह से लव मैरिज को बहुत यहाँ पे बहुत ख़राब दृष्टिकोण से देखा जाने लगता है। एक वो एग्जांपल बन जाते हैं कि लव मैरिज ये क्या हुआ, उसका रिजल्ट देखो कितना ख़राब हुआ। तो उस तरह से अगर बच्चे बचपना करते हैं तो उस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। और उस एज में जो जल्दी से डिसीजन लेते हैं वो चीज़ गलत है। और फिर वापस घर आ जाते हैं तो बच्चे की फिर से शादी करने में दिक्कत होती है, समाज में परिवार की बदनामी होती है और बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाती है घर की। फिर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के फ्यूचर पे भी प्रभाव पड़ता है और उनकी भी शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह का लव मैरिज को थोड़ा सा सोच समझ के पेरेंट्स की सलाह लेना या पेरेंट्स को यहाँ पे गाइडलाइंस बच्चों को देनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लव मैरिज गलत है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लव मैरिज भी सही है लेकिन कहाँ सही और कहाँ गलत है। अब मैं आती हूँ अरेंज मैरिज की बात। तो अरेंज मैरिज बहुत कोई खुले दिमाग के हैं तो सोचते हैं अरेंज मैरिज बेकार है, लेकिन नहीं, अरेंज मैरिज भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, बहुत सही है। बस सिर्फ अरेंज मैरिज में ये ज़रूर होनी चाहिए कि लड़की या लड़का एक दूसरे को देख ले शादी से पहले और पसंद कर ले, ताकि उनका भी जो है कि हाँ मैंने अपने पसंद से शादी किया, इस तरह से उनके मन में भी तसल्ली हो और पेरेंट्स भी एग्री हों दोनों, तो ठीक है। और इस अरेंज मैरिज में होता है कि एक दूसरे को हम जानते नहीं हैं लेकिन हम एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगते हैं, धीरे धीरे समझने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की आदतों से एडजस्ट भी करने लगते हैं और एडजस्टमेंट होता चला जाता है। फिर आपस में कब सामंजस्य स्थापित हो जाता है, कब प्यार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जब कभी हम एक दूसरे से दूर होते हैं या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेते हैं तब पता चलता है कि हम एक दूसरे से प्यार भी बहुत ही करते हैं। क्योंकि एक दूसरे से कितना भी लड़ लें अरेंज मैरिज में भी फिर भी अलग होने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर अपने पेरेंट्स का भी दबाव रहता है, फिर तो इस तरह से हम बंधन में बन जाते हैं और हमारा बंधन जो है मजबूत हो जाता है। तो अरेंज मैरिज भी अच्छा है, लेकिन हाँ अरेंज मैरिज या लव मैरिज कोई भी मैरिज करे उसमें लड़के लड़की का रजामंदी होना, पसंद होना बहुत ज़रूरी है किसी पे। शादी विवाह जो लड़की लोग के लिए है ये बहुत ही जीवन का नेसेसरी डिसीजन है, क्योंकि लड़की का जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पति की भूमिका पत्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर लड़की का शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ज़बरदस्ती कर दिया जाए, उसके बाद उसके जीवन में क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है, इस चीज़ से अगर पेरेंट्स को मतलब ना हो, जैसे कि हिंदू समाज में होता भी है, तो ऐसे में लड़की का जीवन बहुत कठिनाई से गुजरता है। फिर बाद में कोई देखता भी नहीं कि उसके साथ क्या दिक्कत है, या कोई देख के भी अनजान करता है माता पिता कि उसका भाग्य था, हम लोग शादी करने का काम था कर दिए, उसके अब उसका भाग्य जाने। तो इस तरह से लड़की को बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर लड़की लव मैरिज करती है और माँ बाप नहीं करने देते हैं, फिर उसकी ज़बरदस्ती शादी अरेंज मैरिज करते हैं, तो यहाँ पे गलत है। तो ये अरेंज मैरिज गलत होगा। और अगर लड़का का परिवार अच्छा है और सब कुछ अच्छा है तो वो अगर लव मैरिज का डिसीजन लेती है तो उस कंडीशन में लव मैरिज अच्छा है उसके लिए, क्योंकि विवाह लड़की को ज़िंदगी जीना है, लड़के को ज़िंदगी जीना है, तो उनके लिए क्या जीवन साथी सही रहेगा अगर वो मैच्योर है, समझदार है, तो ये डिसीजन उनका लेने का अधिकार है, हक है। तो ये निर्णय लेने का अधिकार हक हिंदू समाज में देनी चाहिए। इस तरह से हमने लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में बात की। तो आपको क्या सही लगता है, अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज सही है? अरेंज मैरिज में भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है कि सारा ब्लेम अपने पेरेंट्स पे डालना है, गारंटी लेना है, स्टैम्प पेपर पे साइन कराना है, रिटर्न लेना है कि हाँ ये गारंटी के साथ ही लड़का सही है।
अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला तो फिर कंपनी को फ़ोन लगाना है और फिर कंप्लेन करना है। लेकिन अगर लव मैरिज रहा तो उसमें भी अगर आपकी अपनी पसंद है, दिल का रिश्ता मजबूत है, तो दिल के रिश्ते से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता है। अगर दिल मिला हुआ है, दिल का रिश्ता स्ट्रांग है, तो उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। तो आपका लव मैरिज भी अरेंज मैरिज से अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप लव मैरिज, अरेंज मैरिज जो भी मैरिज करें, उसमें आप दिल का रिश्ता एक दूसरे से जुड़े, किसी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहे, और आपका आप एक एग्जांपल और इतिहास रचे कि प्यार क्या होता है, क्या यही प्यार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।